कलेक्टर प्रतिनिधि विशाल दवे, SDO ने विधायक शंकर सिंह रावत को ऑक्सीजन वैक्सीनेशन सहित सुचारू चिकित्सा का दिया आश्वासन। वार्ता में मांगे मानने के बाद विधायक शंकर सिंह रावत ने किया धरना समाप्त। ब्यावर से हेमंत साहू की रिपोर्ट। शहर सहित पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोरोना महामारी से ग्रसित लोग ऑक्सीजन के अभाव में अपनी जान गंवा चुके हैं व संक्रमित मरीज पीड़ा झेल रहे हैं। विधायक शंकर सिंह रावत ने ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में 500 ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति करने, राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय सहित जवाजा व टाटगढ़ अस्पताल की व्यवस्था को सुधार कर पीड़ित मरीजों को सुचारू चिकित्सा उपलब्ध कराने सहित अनेक मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर रखी है। विधायक रावत के आंदोलन करने की सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी रामप्रकाश सहित अनेक अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर विधायक रावत की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, लेकिन विधायक रावत टस से मस नहीं हुए, डटे रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने विधायक रावत से बात की और उनकी मांगों का निराकरण करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में जिला आबकारी अधिकारी विशाल दवे को ब्यावर भेजा। करीब 4 घंटे के बाद जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में जिला आबकारी अधिकारी विशाल दवे, उपखंड अधिकारी रामप्रकाश, तहसीलदार प्रदीप मालवीय, कोविड इंचार्ज शलभ टंडन, सिटी थाना अधिकारी रणवीर सिंह ने आंदोलन स्थल पहुंचकर विधायक की जायज मांगों के बारे में वार्ता की। वार्ता करते हुए विशाल दवे व उपखंड अधिकारी रामप्रकाश ने मांगों को मानते हुए 323 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रतिदिन उपलब्ध करवाने, 10 वेंटिलेटर तत्काल शुरू करवाने, 18 से 44 वर्ष की उम्र वालों को 1 सप्ताह में वैक्सीन उपलब्ध करवाने, अस्पताल में अतिरिक्त डॉक्टर व स्टाफ लगाने, कोविड जांच शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर करने, कोविड मरीजों की बेहतर इलाज कर देखभाल करने, ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड मरीजों को किट वितरित करने, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सभी झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिक बंद करने की कार्रवाई करने, प्रत्येक सरकारी डॉक्टर घर के बजाय कोविड मरीजों को अस्पताल में इलाज करने व एम्बुलेंस किराया दरों में मनमानी को दूर करने सहित सुचारू चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने आदि की मांगों को मानने का आश्वासन दिया। तत्पश्चात जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि विशाल दवे ने विधायक को छाछ पिलाकर आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी। धरने पर जवाजा प्रधान गणपत सिंह, उप प्रधानपति रामचंद्र चौधरी, सभापति नरेश कनौजिया, उप सभापति ऋखभ चंद खटोड़, जय किशन बलदुआ, मंजीत सिंह हुड्डा, पार्षद वेद राज भाटी, कुलदीप बोहरा, सुरेंद्र सोनी, मंगत सिंह, बबलू चौहान, अनिल भोजक, अनिल चौधरी, हंसराज शर्मा, त्रिलोक शर्मा, गोपाल सिंह रावत, सुनीता भाटी, पिंकी कुमावत, मनोज तंवर, वीरेंद्र सिंह राठौड़, जितेंद्र सिंह राठौड़, पिंटू साहू, सरपंच प्रेम सिंह, किशोर सामरिया, राजवीर सिंह माडेडा, लक्की भाटी आदि मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल। अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पर आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पर, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी, ये बात से हमको आश्वासन दिया है सर को। जिस तरह की भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति पूरी की जाएगी। ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में भी आपने जो डिमांड की थी इसमें होने की, उस हिसाब से हमने इसको बता दिया MLA साहब को कि भाई इतने सिलेंडर आप जो बता रहे हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरे हो रहे हैं, और भी रिक्वायरमेंट होगी उसकी पूर्ति हम लोग करेंगे। जिस तरह से जो वेंटिलेटर की स्थिति है पिछले काफी समय से चल नहीं पा रहे हैं, ऑक्सीजन की जो समस्या का समाधान हो गया, साथ साथ में वो वेंटिलेटर का भी हो जाएगा। 3-4 वेंटिलेटर अगर खराब है तो उनको ठीक भी करवा देंगे और वेंटिलेटर पे बिल्कुल। और जो स्टाफ की जो स्थिति बताई जा रही है सर, जिस तरह से और जिस तरह से सर यहाँ पर 10 जो डॉक्टर्स हैं वो पॉजिटिव हो गए ऑलरेडी, यहाँ पर 34 डॉक्टर, उसमें से अगर 10 हो जाते हैं डॉक्टर्स वाला जो स्टाफ वगैरह है, डॉक्टर्स हैं या नर्सेज वगैरह हैं, उनका कई सब जगह ये स्थिति आ रही है कि वो पॉजिटिव हो रहे हैं तो उनका इलाज भी हो रहा है, लेकिन उसमें जो अपने पास व्यवस्था है उसमें अपने को चलाना है। उसके अलावा जिला कलेक्टर महोदय ने PMO साहब को अधिकृत कर दिया कि कोई कर्मचारी वगैरह वो लगाना चाहें अपने स्तर पर वार्ता करके सरकार को अपन ने सबने मिल करके कर्फ्यू में इतनी ताकत नहीं अकेला कोई अल्टीमेटम दे दे कि इनको एक ही आदमी उठा ले, वजन कम है ना, लेकिन आप लोगों की ताकत से मुझे भी ताकत मिला और उसी संबल के साथ में हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि ब्यावर के साथ में अनहोनी हम नहीं होने देंगे और ये अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे।
मैं मीडिया के भाइयों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनकी ताकत की वजह से, मेरी ताकत से नहीं, उनकी ताकत की वजह से आज सरकार को झुकना पड़ा और यहाँ आकर के एक दिन भी हमारे को धरना पूरा नहीं करने दिया। आधा दिन होने के बाद में सरकार सारे इंडिकेटर चालू हो गए, आकर के सारी बातों को यस करके चली। बहुत बहुत धन्यवाद।